कपिल शो तो हमारा नंबर वन चल रहा है, बहुत बढ़िया टीआरपीज हैं, चार पांच कितने मेरे ख्याल से 6-7 वीक हो गए हैं, अभी भी हम लोग बढ़िया जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कपिल के बारे में कहा था एक पेपर में कि मैं इज सच अ हार्ड वर्किंग गाय, बिकॉज इतने सालों के बाद आई हैव बीन मीटिंग हिम, हम साथ में काम कर रहे हैं, वो इतना हार्ड वर्क करता है, बल्कि अपने खुद के एंट्रीज पे वर्क करता है, मेरे साथ भी प्रॉपर रिहर्सल करेगा, जैसे अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, आई विल बी गोइंग एंड मीटिंग हिम, बिकॉज फिर से हमारी शूटिंग है। तो स्क्रिप्टिंग करना, पूरे शो पे ध्यान देना, मेरे पे ध्यान देना, भारती पे ध्यान देना, क्या करेगा कैसे करे, तो आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है उसी इसीलिए पे किया। आप देखेंगे एक एपिसोड में भी मैंने स्टेज पे बोल दिया कपिल के लिए, और मैंने पेपर में भी कहा कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स ही इज रियली अ वंडरफुल गाय एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। वो तो फिर कपिल बताएगा, अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं, वी आर वेरी हैप्पी, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद अस। देखिए अर्चना जी तो ऑलरेडी 4-3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी, अर्चना जी सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी, बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी, पर ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को या फिर, अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन, सोनी क्या डिसीजन लेता है अभी। देखिए वो तो चैनल डिसीजन है, एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपकी क्या राय है सिद्धू जी ने कहा उसके बारे में? देखिए मैं राय देने मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे, अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए, मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा, वॉट आई कैन डू फॉर पीपल आई एम रेडी टू डू। सी प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिजिकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए और क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं, जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे उन्होंने स्टैंड लिया, मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता, आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। देखिए मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में, आई थिंक ही विल बी हियर, उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम, आई विल सी, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज हैपेंड, सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है, तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम ऑल ओपन टू कमेंट और टू से एनीथिंग अबाउट दिस। तो बहुत आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे, जो भी हम फिल्में करते हैं या जो भी शोज वोज करते रहते हैं, फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली आज जेन्युइन, मैं और जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, हाफ हार्टेडली आज मैं रेडी होकर आया हूँ, मैं मेकअप वेकअप भी कर रहा था, मैंने कल प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को भी फ़ोन किया था, मेरी बात हुई कि आज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस फॉर अ म्यूज़िक रिलीज और यू नो टू बी फॉर एन ओकेजन, इनकी जो भी मजबूरी थी, आज देखा आपने कि हमने कोई तामझाम भी नहीं किया है, कोई गेस्ट भी नहीं बुलाए या इस तरीके से नहीं, हमने बोला चलो अपने आपस में ही हम लोग विल जस्ट कम, वो भी क्योंकि पिक्चर इनकी 15 तारीख रिलीज है, परसों से गाने आने हैं यूट्यूब पे जी टी वी पे, तो आज फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली हुआ है।
बिकॉज मैं भी बहुत अपसेट था जब सुना, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग भी थी, गुस्सा भी था, बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। बल्कि देहरादून में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, देहरादून के एक मेजर हैं जिनकी डेथ हुई, मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग जाइए वहाँ पर, मैं भी आऊँगा। अब क्या है कि दुख सबको है, तकलीफ सबको है, लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं, लोगों के लिए कितना कर सकते हो। मैंने बोला फिजिकली मैं शूटिंग कर रहा हूँ इतने देर से, मेरी आप आवाज़ ये वो, डे नाइट मेरी वेब सीरीज़ चल रही है, ऑल्ट के लिए तुषार कपूर के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को वक्त नहीं था, नहीं तो मैं तो इमीजिएटली फ्लाई करके चला जाता। बल्कि मैं अभी जाऊँगा देहरादून में, जो मेजर हैं उनके यहाँ, मैं किसी के लिए कुछ फिजिकली कर सकता हूँ, प्रेजेंट होके कर सकता हूँ, कुछ जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, आई वुड वॉन्ट टू डू इट। तो चलिए जो भी था, लेकिन आज अपना म्यूज़िक रिलीज़ हो गया, 15 तारीख को जो है पिक्चर रिलीज़ है, शर्मा जी की लग गई। अभी तो देखिए आप अपना काम है, अपना काम करके छोड़ दो, उसके बाद फीलिंग तो अभी बाद में पता चलती है, फिर 16 तारीख को फीलिंग का पता चलेगा। फिर तब क्या होगा, फिर हम लोग बॉम्बे से बाहर चले जाते हैं ना, पिक्चर कुछ या तो ऊपर नीचे होती है या कुछ होता है, लेकिन ठीक है। आज की डेट में क्या है, सी आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, कंटेंट जो है, हमने एक लाइट हार्टेड छोटी कॉमेडी फिल्म बनाई है, बस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे वो मुग्धा का गाना पसंद है, दिल्ली की सरकार, मुझे अपना गाना इतना ग्रेट नहीं लगता है, मुझे मुग्धा का गाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा पेपी नंबर है, थोड़ा मासी नंबर है, तो मुझे लगता है कि वो अगर इन जितने गाने थे वो गाना मुझे सबसे बेस्ट लगा, मेरा वाला मुझे इतना ठीक ही लगता है। हाँ हाय सुमित, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा, बीच में मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि फरहाद मेरे डायरेक्टर जो हैं, फरहाद सामजी बालाजी के जो ऑल्ट के लिए सॉरी जो मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन पैकअप कर दिया, बोले इसको भेजो सुला दो। बल्कि 20 दिन हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव बीन जस्ट शूटिंग डे एंड नाइट, बिकॉज मैं कपिल के साथ करता हूँ शूटिंग, फिर अगले दिन वेब सीरीज़ करता हूँ, फिर कपिल के साथ करता हूँ, फिर क्योंकि मेरी डेटें हैं, मैंने बालाजी को डेटें मेरी दी हुई है 25 दिन की, फिर उसके साथ मेरा OMG मेरा इंडिया का भी शूट होता है, फिर उसके बीच में इनका म्यूज़िक रिलीज़ भी होता है। मैंने गोविंदा जी से सीखा, उन्होंने सिखाया था जब वो आए थे, तो बोलते हैं मैंने 50 की थी, आज का दौर तो वैसा नहीं है, तू 10 तो कर ही सकता है। शुक्र है ये पहुंच रही है थिएटर तक, तो अच्छी बात है कि क्योंकि मेहनत करके ऐसे बहुत डब्बे में पड़ी रहती है, मेरी भी एक दो हैं, वो फिर आती नहीं, रिलीज़ ही नहीं होती, लेकिन मैं शुक्र मानता हूँ, क्योंकि फिल्म के लिए मेहनत बहुत लगती है ना, सबका पैसा लगा होता है, प्रोड्यूसर का, बेचारे का, और हम लोगों की मेहनत, हमारा टाइम, तो वो जब बंद पड़ जाती है तो फिर बहुत दुख होता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद, तो वी आर हैप्पी एटलीस्ट सामने तो आए, भले जो होना हो। सी आपके आज की डेट में ये है कि कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं, ये बैनर नहीं लगाते लोग थिएटर में नहीं आते। आइए सर, कंटेंट बेस्ड फिल्में जो हैं वो चल रही हैं, कंटेंट अच्छा होगा तो कोई फिल्म आज की डेट में छोटी नहीं है, कोई फिल्म बड़ी नहीं है। अगर आप 2 घंटे एंटरटेन रखते हैं, खींच के रखते हैं लोगों को, तो फिर पिक्चर अच्छी है, निकल जाएगी। कुछ नहीं, ऐसे इन लोगों ने लिखा दिल्ली की सरकार, वो जैसे दिल वालों के दिल का करार लूटने आई यूपी बिहार लूटने, एक तो मामा के गाने पे तो कोई क्वेश्चन उठ गया था, कौन सा चुम्मा तुम मुझको उधार देते बदले में यूपी बिहार, तो इसमें हम कुछ दे नहीं रहे ना बदले में कि चुम्मा दे दे या कुछ ऐसा, ऐसा तो कुछ है नहीं।
इसमें बस दिल्ली की सरकार हिला दिया है। अब वो लड़की का गाना आप लड़की से पूछिए, मेरा क्या लेना था। चर्चाएं शुरू करती जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो भी चीजें जहाँ से भी जुड़ते हैं आप, पूरा माहौल। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी तो कहाँ हूँ। कैसे नहीं आप? ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ आ जाता है निकल के, क्या कर सकते हैं। गोविंदा जी से आप सामंजस्य बैठ गया है, अभी भी मामला गरम है? नहीं नहीं, उनके साथ उनके देखिए वो मेरे, मैं उनको प्यार करता हूँ, ठीक है, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मामा हैं, चार थप्पड़ मार लेंगे मुझे, गुस्सा कर लेंगे, वो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और वो करते भी हैं, किया भी उन्होंने, ही इज़ ओके, ही इज़ नॉट। बाकी मामी मेरी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन वो भी मैं उनको प्यार से फिर उनको भी मना लूँगा, मैं तो बच्चा हूँ घर का। कपिल शो तो हमारा नंबर वन चल रहा है, बहुत बढ़िया TRPs हैं, चार पांच कितने मेरे ख्याल से 6-7 वीक हो गए हैं, अभी भी हम लोग बढ़िया जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कपिल के बारे में कहा था एक पेपर में कि मैं इज सच अ हार्ड वर्किंग गाय, बिकॉज इतने सालों के बाद आई बीन मीटिंग हिम, हम साथ में काम कर रहे हैं, वो इतना हार्ड वर्क करता है, बल्कि अपने खुद के एंट्रीज पे वर्क करता है, मेरे साथ भी प्रॉपर रिहर्सल करेगा, जैसे अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, आई विल बी गोइंग एंड मीटिंग हिम, बिकॉज फिर से हमारी शूटिंग है, तो स्क्रिप्टिंग करना, पूरे शो पे ध्यान देना, मेरे पे ध्यान देना, भारती पे ध्यान देना, क्या करेगा कैसे करे, तो आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है उसी इसीलिए पे किया। आप देखेंगे एक एपिसोड में भी मैंने स्टेज पे बोल दिया कपिल के लिए, और मैंने पेपर में भी कहा कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स ही इज़ रियली अ वंडरफुल गाय एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। वो तो फिर कपिल बताएगा, अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं, वी आर वेरी हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ अस। सुनील का पता नहीं, आ जाए अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। मिलता जुलता तो नहीं है, देखिए अपना अपना स्टाइल होता है, वैसे एज अ कॉप बहुत बड़ी फिल्में आई, बहुत बड़े एक्टर होने की, सबका अपना अपना सिस्टम है, स्टाइल है काम करने का, ऐसे ही हम भी 3-4 लोग हैं टेलीविजन में भी, तो सुनील का अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल बहुत अच्छा करता है, हम अपने हिसाब में अपना अलग करते हैं। अर्चना जी आ रही है? देखिए अर्चना जी तो ऑलरेडी 4-3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी, अर्चना जी सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी, बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को, या फिर अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन, सोनी क्या डिसीजन लेता है अभी। देखिए वो तो चैनल डिसीजन है, एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए मैं राय देने मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे, अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए, मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा, व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल आई एम रेडी टू डू। सी प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिजिकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं, जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे उन्होंने स्टैंड लिया, मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता, आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट।
कपिल जी अभी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बोला कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जहां सिद्धू जी के लेकर सारी जो बातें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेन मुद्दा है हम उससे भटक रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, क्या आप भी देखिए मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में, आई थिंक ही विल बी हियर, उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम, आई विल सी, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज हैपेंड, सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है, तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम ऑल ओपन टू कमेंट और टू से एनीथिंग अबाउट दिस.